सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 है लेखन कौशल या फिर लिखने की कला, लिखने की जो स्किल होती है, राइटिंग स्किल किस तरीके से होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो राइटिंग है वो देखने में आकर्षक लगे। और जब आप लिखते हो तो आपकी लिखावट आपके बारे में बहुत कुछ बताती है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है इसे पूरा स्पेशली केवल और केवल लिखने के कौशल पर इसको बनाया गया है ताकि जब आप प्राइमरी में जाएं तो बच्चों को सबसे पहले उनको लिखने की कला से अवगत कराएं, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए बच्चों की ताकि वो जो कुछ भी लिखे वो समझ में आए और देखने में भी कॉपी अच्छी लगे और उन्हें खुद भी समझ में आए कि वो क्या लिख रहे हैं। तो इसलिए राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को भी पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, राइटिंग अच्छी होने का बहुत सारा फायदा मिल जाता है। कभी कभी आपने थोड़ा बहुत गलत भी आंसर लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखा है, मैं मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, अदर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको फिर भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आपकी राइटिंग आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अब इस चैप्टर के हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चंस दोस्तों जितने भी यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग प्लीज ध्यान से इनको देखिएगा। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ये आपका लास्ट चैप्टर है रिविजन का, यानी कि इसके बाद एक अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस का वीडियो आएगा और ये पूरा आपका हिंदी विषय का भी सुपर फास्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने और विषयों की सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस नहीं देखी है, बाल विकास शिक्षण हमने पूरा खत्म कर दिया है, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम बहुविकल्पी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को दिमाग में यही रखना है कि ये जो चैप्टर है ये लेखन कौशल यानी कि लिखने की स्किल पर आधारित है, राइटिंग स्किल पर, तो क्वेश्चन भी स्वाभाविक सी बात है उसी से रिलेटेड होंगे। तो इसमें सुलेख आएगा, श्रुत लेख आएगा, इसके अलावा अनुलेख आएगा, यानी कि लिखने की जो भी कलाएं हैं, जो भी विधाएं हैं, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे और राइटिंग कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी और किस तरीके से हमें जिस भी भाषा को हम लिख रहे हैं, खासकर ये हिंदी सब्जेक्ट है तो हम हिंदी की ही बात करेंगे कि हिंदी भाषा को कैसे शुद्ध शुद्ध रूप में हम लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग केवल सुंदर नहीं होनी चाहिए बल्कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो भी सुंदर दिखनी चाहिए कॉपी में, यानी कि आपके जो मात्राएं आपने लगाई हैं, जो सूर्यरेखा खींची है आपने, सभी शब्दों के बीच में बराबर दूरी है कि नहीं, इस तरीके से इन सभी बातों का खासा ख्याल रखा जाता है किसी भी बच्चे की राइटिंग स्किल को लेकर के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में लेखन की विधियां हैं, अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, विश्लेषण विधि या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, लेखन की विधियां अनुकरण विधि भी है, मॉन्टेसरी विधि भी है, विश्लेषण विधि भी है, ये सभी क्या लिखने की विधियां सिखाती हैं, ये सभी शिक्षण विधियां। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है सुडौल तथा आकर्षक लेखन के लिए आवश्यक है सुलेख, अनुलेख, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सुलेख का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना और जो अनुलेख होता है इसका मतलब किसी बुक में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखी हुई है, आप कहीं से भी देख करके उतार ले रहे हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नकल लिखना भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चाहे सुलेख हो या अनुलेख हो, ये दोनों ही हमारी राइटिंग स्किल को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि लिखावट एक ऐसी चीज है, आप जितना लिखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपकी राइटिंग उतनी ही सुंदर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है श्रुत लेख का अर्थ है देखकर लिखना, सुनकर लिखना, ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं। श्रुत लेख, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी कि सुनकर लिखना। तो सुनकर लिखने को ही हम क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में इमला बोलना भी कहते हैं। जैसे जैसे टीचर क्लास में इमला बोलते हैं, सभी बच्चे लिखते हैं, तो इमला को ही हम हिंदी भाषा में शुद्ध रूप से क्या कहते हैं, श्रुत लेख कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में सुंदर लेख के गुण हैं, अनुपात, सिरोरेखा, मात्रा प्रयोग या फिर ये सभी। सुंदर लिखने के लिए आपकी राइटिंग ही केवल अच्छी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो शब्द है उनके बीच में गैप होना चाहिए,
सिरो रेखा बिल्कुल सीधी लगी हुई होनी चाहिए, जैसे कि सुंदर लिखा है इसके ऊपर सिरो रेखा खींची गई है, बिल्कुल सीधी यहाँ पर सिरो रेखा खींची गई है, आप देख सकते हैं। मात्रा प्रयोग, मात्रा भी सही सही बिल्कुल होना चाहिए, ये नहीं कि जहां पर बड़ी की मात्रा लगी आप वहां पर छोटी की मात्रा लगा दीजिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। सारी चीजें जब बिल्कुल सही रहेंगी तभी आपकी राइटिंग देखने में सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये सभी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का मतलब यही है दोस्तों कि जो हम लिखते हैं, मतलब जो भी चीज हम लिखते हैं, कोई भी हिंदी भाषा में कोई भी कहानी हम लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो उसमें कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं। और कुछ गलतियां क्यों हो जाती हैं, कभी कभी हमें वो शब्द हमने कभी कभी शुद्ध उसको उच्चारण उसका शुद्ध उच्चारण किया ही नहीं होता है उस शब्द का, तो इस वजह से वो लिखने में गलत हो जाता है। तो लिखने में गलत होने का मतलब क्या, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का मतलब ये मात्रा गलत हो जाती है, जहां पर हमें छोटा उ की मात्रा लगानी थी वहां पर हमने बड़ा उ की मात्रा लगा दी है, तो इस तरीके से गलतियां होती हैं। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं, शुद्ध उच्चारण के द्वारा। जब हम शुद्ध रूप से किसी भी शब्द का उच्चारण करेंगे तो उसको लिखेंगे भी हम शुद्ध रूप से। लिपि संबंधी ज्ञान, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि से संबंधित है, देवनागरी लिपि है आप सभी लोग को पता है, तो लिपि का भी ज्ञान होना जरूरी है। लिखित भाषा संशोधन, यानी कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं ये सभी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्णों के बीच कितनी पाई की दूरी होनी चाहिए, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वर्णों के बीच में 1 पाई की दूरी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद की नवीन पंक्ति को कितना स्थान छोड़कर लिखना चाहिए, 10 से 12 पाई, 5 से 6 पाई, 8 से 10 पाई या फिर 10 से 11 पाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 से 12 पाई, यानी कि 10 से 12 पाई का स्थान छोड़ करके हमें अनुच्छेद की नई या नवीन पंक्ति को लिखना चाहिए, जिसे हम ये कहते हैं कि एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया फिर हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तो ये पैराग्राफ की तरह, ये एक पैराग्राफ आपने कंप्लीट किया फिर आप दूसरे पैराग्राफ को शुरू करते हो, तो आप शुरू से नहीं शुरू करते हो बल्कि आप थोड़ा सा बीच में से स्टार्ट करते हो, तो कम से कम 10 से 12 पाई का स्थान आपको छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिपि प्रतीक होते हैं अनुस्वार के, विसर्ग के, हलंत के या फिर ये सभी। दोस्तों अनुस्वार, विसर्ग, हलंत ये सब लिपि के ही प्रतीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखन शिक्षण में लिपि का अर्थ है रेखाओं चित्रों द्वारा विचार व्यक्त करना, भावों या विचारों द्वारा व्यक्त करना, लिखावट रेखाएं खींचना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रेखाओं चित्रों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना ही लेखन शिक्षण में लिपि होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखाओं और चित्रों के माध्यम से ही तो हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर रेखाएं और चित्र ही तो हैं जो हमें इस पूरे जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनको हम पढ़ ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये क्या है, लेखन शिक्षण में लिपियां कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र है, यह कथन किसका है, गांधी जी का, मॉन्टेसरी का, पेस्टोलॉजी का या फिर जैका टॉट का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी का, यानी इसीलिए दोस्तों बच्चों को सबसे पहले आर्ट सिखाना चाहिए। जब बच्चे चित्रकला सीखते हैं, यानी कि जब वो ड्राइंग बनाना सीखते हैं, चाहे वो कुछ भी बनाएं, तो धीरे धीरे उनको अक्षर बनाना भी आता है, तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों को चित्रकला सिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखते समय 2 शब्दों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये अभी आपने देखा है ऊपर, 1 पाई की दूरी होनी चाहिए 2 शब्दों के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपी या स्लेट को आंखों से कितनी दूर रखना चाहिए, कॉपी या स्लेट को आंखों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, यह आप सभी लोग को पता भी होगा कि कॉपी को कम से कम आंखों से कितनी दूरी पर रखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलम पकड़ने की सही विधि है, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना या फिर पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेफ लगाया जाता है उच्चारण स्थान के आगे के ऊपर, उच्चारण स्थान के पीछे के अक्षर के ऊपर, आगे पीछे किसी भी अक्षर के ऊपर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उच्चारण स्थान के आगे के अक्षर के ऊपर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कुर्सी पर बैठने पर बालक को घुटने कितने अंश के कोण बनाते हैं? कुर्सी पर बैठने पर बालक के घुटने कितने अंश का कोण बनाते हैं? दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जब बच्चा बेंच पर बैठता है तो उसको घुटने कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए चैप्टर नंबर 5 के बहुविकल्पी, और इसके बस इसका एक और वीडियो बचा हुआ है अति लघु उत्तरी का, इसके बाद ये पूरा आपका हिंदी विषय भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपीटेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप समय से हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। तो आप दोस्तों आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलेगा और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलेगा। आपके कॉलेज का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़े और इन वीडियोस का लाभ ले सके। और दोस्तों आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।